सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला जोधपुर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। जोधपुर की स्थापना की बात करें तो राव जोधा ने 12 मई 1459 को यहाँ के एक स्थानीय आदिवासी भील राजा को हराकर आधुनिक शहर जोधपुर की स्थापना की थी और जोधपुर का नाम भी राव जोधा के नाम से ही जोधपुर पड़ा है। जोधपुर की जनसंख्या 10 लाख के पार होने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया था। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित होने के कारण सूर्य के उदय होते ही पूरा शहर चमक उठता है और यह धूप भी काफी तेज होती है और यही वजह है कि जोधपुर को सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर शहर में अधिकतर घरों की छतें नीले रंग की होने के कारण से ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर हमेशा से अपने रजवाड़ों और राजघरानों के कारण एक अपनी अलग ही पहचान बनाता आया है, साथ ही अपनी संस्कृति के लिए भी जोधपुर शहर बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक विरासत को लेकर बात करें तो जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग, जसवंत थड़ा और उम्मेद महल प्रमुख है। लाल रंग के पत्थरों से बना जोधपुर का किला दूर से ही चमकता है और वहीं इसी के पास बना जसवंत थड़ा सफ़ेद कलर के पत्थरों से चमकता है। यहाँ के किले, यहाँ के महल, शानदार हवेलियाँ, यहाँ के मंदिर पर्यटक का बहुत मन मोह लेते हैं। जोधपुर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ पे देश ही नहीं विश्व भर से पर्यटक आते हैं। जोधपुर की कला, संस्कृति और यहाँ के लोगों की बात ही निराली है। जोधपुर शहर की मावे की कचौरी और मिर्ची वड़ा यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है। वहीं केर सांगरी की विश्व भर में प्रसिद्ध सब्जी का जायका भी यहीं मिलता है। जोधपुर शहर की रंगीन जूतियाँ भी विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ की बंदेश की कारीगरी भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यह है निराला सा जोधपुर शहर।